सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बचपन और बुढ़ापे एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। किसी व्यक्ति के कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। हर समस्या का समाधान होता है, जीवन अगर मुश्किल है तो आसान भी होता है। जिंदगी में उस लेवल तक पहुँचो जहाँ लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से डरे। आज का पंचांग 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 2:56 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:11 से 10:40 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार, अभी आपका ध्यान भौतिक चीजों पर है। आपके कपड़े आभूषण सभी फैशन और रचनात्मकता से आपके प्यार को दर्शाती हैं। जीवन में जो भी मिले उसका मजा लें, जैसे अच्छी कंपनी और अच्छा भोजन। आप अभी दोस्तों और प्रतिभाओं में समृद्ध महसूस कर रहे हैं। आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुश्किल से बचाएगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनिए। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में आपके द्वारा रखे गए पक्ष को सराहना मिलेगी। किसी नई जानकारी को सीखने में भी समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई अन्य अवसर मिलेगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। काम की गति तेज करें, कम समय में अनेक कामों को अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के साथ बात करते समय अपने विचार या निर्णय का दबाव ना बनाएं, वरना विवाद की वजह से नई समस्या हो सकती है। लोगों की आपके प्रति गलतफहमी ना बढ़ने दें। स्टॉक मार्केट से जुड़े काम अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। स्वभाव में सौम्यता की वजह से पार्टनर को आपके करीब महसूस होगा। पेट संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है। सावधानियां, कोई भी निर्णय भावुकता और जल्दबाजी में लेने के बजाय प्रैक्टिकल रहें। इस समय अपने व्यक्तिगत संबंधित किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें, क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। सहयोगियों या पड़ोसियों से संबंधित समस्याएं इस चरण को तनावपूर्ण बना सकती है। अपने साथी को खुश रखें ताकि आपकी इश्क की बगिया और भी महके। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें और एक दूसरे पर भरोसा करें, ताकि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आपका बंधन अटूट रहे। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। अपने शारीरिक सुख से पहले अपनी साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में ना सोचें। बात करते हैं करियर की। कला आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिससे आप न केवल अपना करियर बना सकते हैं बल्कि आपको अलग पहचान मिलेगी। किसी यात्रा की योजना का रद्द होना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हमेशा अपने सपनों का अनुसरण करें, सफलता आपकी ही होगी। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए थोड़ा बचें। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली हर परेशानियों से बचाएगा। अपने ध्यान को भटकने न दें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं। बात करते हैं सेहत की।
थकान का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए योग और व्यायाम पर ध्यान दें। पेट संबंधित इन्फेक्शन हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आशा हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।